अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ ज़हीर कालिया जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। टेप बोल के ये बेताज बादशाह हैं, इनका बड़ा नाम है। अगर आप किसी भी क्रिकेट के बच्चे बच्चे से भी पूछें तो वो इनका नाम से वाकिफ़ हैं, बहुत मशहूर हैं। आइए इनके साथ हम आप गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र भाई, बड़ा अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है टेप बॉल में। जिस तरह एक स्टार होता है क्रिकेट का पाकिस्तान टीम में, पर आप बगैर टीम में खेले, आपको अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। तो मुझे ये बताइए, एक टेप बॉल टूर्नामेंट करवाने प्रमोट करने में कितना आप समझते हैं कि इस लेवल को भी ऊपर जाना चाहिए? जी माशाल्लाह जी, ये खलील भाई का बड़ा अच्छा इवेंट करवा रहा है, जो बड़ी बात है। इस तरह इन्होंने मैनेजमेंट किया है, बड़ी बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के टूर्नामेंट होने भी चाहिए, क्योंकि पहले मैंने आज तक तो देखा नहीं है इतना अच्छा टूर्नामेंट होते हुए जिस हवाले से मैनेजमेंट है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले, 20 साल हो गए मैंने खेलते हुए। पाकिस्तान से बाहर भी अक्सर मुल्कों में जाता हूँ, खेलने नहीं जाता हूँ, बड़े से बड़ा टूर्नामेंट खेले हैं। उसके अलावा कराची अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, गाड़ियों के गाड़ी प्राइज़ होते हैं जिसके 20 लाख नाम होते हैं, जिसके 50 भी प्राइज़ पर होते हैं, 50 लाख होते हैं। लेकिन इस तरह की मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी, लेकिन ये इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए, इस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट। ये मतलब आप लग रहा है कि इसमें टेप बॉल जो उनसे पसंद करते हैं जो प्लेयर हैं, ये उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है? जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको जब ये जब कोई नया लड़का यंग टैलेंट जो सामने आएगा, वो इसको देखते इसको देख के उसको अंदर क्रिकेट का शौर पैदा होगा, वो बंदा खेलेगा आके और इम्प्रूव करेगा। अच्छा, हम इसको हार्ड बॉल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? मतलब टेप बॉल तो एक वो स्टेज है पहली क्रिकेट की, तो आप हार्ड बॉल की तरफ क्यों नहीं मतलब सजेस्ट करते लोग? ये दरअसल शॉर्ट क्रिकेट होती है, हर बंदे के पास टाइम, आजकल के दौर में टाइम बहुत कम होता है। ये क्रिकेट शॉर्ट क्रिकेट होती है, 1-2 घंटे खेल लिया मैच खत्म, मैच मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटे का मैच होता है टेबल का, सिर्फ 6 ओवर का मैच हो गया, 5 मैक्सिमम हो जाए। तो इसमें हर बंदे का कोशिश होती है कि शॉर्टली टाइम में टाइम भी बच जाए और इन्जॉय भी कर ले। अच्छा, कोई यादगार मैच अपना बताएं जिसमें आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, बॉलिंग मतलब विकेट्स ज़्यादा ली हो, नाम तो आपका बड़ा, तो कोई आपका ऐसा लगता है जिसमें प्राइस भी बहुत हाई लेवल का, तो किसमें आपका कोई एक ऐसा जो है? टूर्नामेंट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में 20 साल से जो पाकिस्तान में टेप बॉल हुई है, उसके अलावा MRI होती है जो इंडिया में खेली जाती है, वो टेप के बगैर होती है। तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया से हमें बंदे स्पॉन्सर फ़ोन करते हैं बहलाने के लिए। तो मुझे 7-8 साल हो गए दुबई में खेलने जाते, कतर भी जाता हूँ खेलने के लिए, और इसके अलावा कई मुल्क में जाऊँ खेलने गया हूँ। लेकिन दुबई में लास्ट टाइम 2018 में टूर्नामेंट हुआ था, तो उस टूर्नामेंट में मैंने पूरे टूर्नामेंट्स में मैंने तकरीबन 8 मैच खेले थे, उसमें मुझे कोई बाउंड्री नहीं लगी, कोई चक्का नहीं लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17 विकेटें नहीं थी, और बेस्ट हर मैच का मैंने 5 मैच खेले थे, और 5ों मैच में मैं बेस्ट बॉलर ही रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हुए थे। उस टूर्नामेंट का प्राइस तकरीबन 50 लाख का प्राइस था। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये बताएं, PSL में खेलने की कभी ख्वाहिश रखते हैं आपके? कभी मुझे आपको चांस मिले तो, या आपको वो चेक करें ट्रायल लें, तो कभी आप अपने आप को अवेलेबल समय? हर बंदे की कोशिश होती है पाकिस्तान खेले, पाकिस्तान खेलना बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में TV पर खेले। हमारी कोशिश थी, लेकिन टेबल में इतना लगे रहे हैं कि इसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ओवर मेन चीज़ यह है कि एज फैक्ट है, अब मेरी 42 एज हो गई है, पाकिस्तान हो गई है, तो अब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने साल हो? मुझे प्रोफेशनल खेलते हुए तकरीबन 1998 से खेल रहा हूँ, जो आउटर सिटी वगैरह खेलना शुरू किया खेलना। तो आप लाहौर की आपकी जो टीम है वो उसका मतलब क्या नाम है, और बाकी कितनी टीमें इसमें आप पूरे पाकिस्तान में जो मेन मशहूर जिस तरह शाहजमाल और ये वो सारे, इस तरह कितनी टीमें हैं? नहीं, अब तो लाहौर की क्रिकेट खत्म हो गई है ना, पहले लाहौर की टीमें थी, क्लब थे पहले, अब तो यहाँ पर नहीं है। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था वो चौधरी 11 थी टीम, तो उसके बाद जो लाहौर से बाहर की टीमें हैं, जो उनकी अपने शहरों की सिटीज़ की टीमें होती है, वो मुख्तलिफ नाम से होती है, तो उनकी टीम में जाके खेलते हैं हम लोग। मतलब जिस तरह वो शाहजमाल की टीम और ये वो सब खत्म हो गई? हाँ, वो सब खत्म हो गई है। अदर क्रिकेट लाहौर की शाहजमाल थोड़ी कम हो गई है, टीमें वो वाली नहीं रही। तो आप इसके मतलब इस इवेंट के बाद आप समझते हैं कि दोबारा लोगों में एक दफ़ा उजागर होगी? होना चाहिए, होते भी हैं। ये अभी लास्ट टाइम टूर्नामेंट हुए हैं, जिला वाइज के टूर्नामेंट हुए हैं, लास्ट टाइम हमने जीता है मियाँ चुन में टूर्नामेंट, बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है, 5 लाख उसका प्राइस था, तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है, दीपाल पर भी होता है, कराची में भी होता है, इस तरह के टूर्नामेंट काफ़ी हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अभी वो स्टॉप हुए हैं। तो अभी जब अच्छा टूर्नामेंट होगा तो इसको देख के दूसरी टीमें, दूसरे शहर वाले लोग भी वो अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं फिर। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये हमारे साथ थे मौजूद ज़हीर कालिया, इनका यही कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए जिसमें यंग जो प्लेयर हैं, जो टेप बॉल के प्लेयर हैं, शॉर्ट फॉर्मेट है, 1-2 घंटे की क्रिकेट है, इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी इसके बाद जो बच्चे अपनी मतलब पढ़ाई या जो अपनी जॉब पर बिज़ी होते हैं, मगर वो इतनी क्रिकेट के लिए टाइम निकाल लेते हैं, इस तरह के इवेंट्स में उनको मौका मिलेगा।